हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कुछ टॉक में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। जी हाँ गाइज, अभी अभी बहुत बड़ी खुशखबरी आई है सभी लोगों के लिए जो भी दिसंबर 2022 ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दिए थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और एक्चुअली मैं अभी बाहर हूँ, इसलिए मैं मोबाइल में रिकॉर्ड करके आप लोग को वो खुशखबरी देने वाला हूँ। और साथ ही मैं सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ कि कैसे क्या करना है। तो ये खुशखबरी आपके लिए ये है कि सबसे पहले आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। आपका जो है दिसंबर 2022 का ट्वेल्थ का रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ गाइस, दिसंबर 2022 का क्लास ट्वेल्थ का रिजल्ट आ चुका है। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों को रिजल्ट देखना है, सारा कुछ मैं प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और मैं ये मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप लोग को आवाज़ में भी थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो है दिसंबर 2022 का जो रिज़ल्ट है वो अभी तुरंत आया है और मैं एक्चुअली बाहर हूँ, इसलिए मुझे ये मोबाइल में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो आपको सबसे पहले बीबॉस का वेबसाइट ओपन कर लेना है। बीबॉस का वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर देखिए स्क्रॉलिंग में नज़र आएगा क्लिक हियर फॉर दिसंबर 2022 ट्वेल्थ रिजल्ट। तो इस पर आप लोग को सबसे पहले क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं इस पर तो आप लोग को एक चीज़ मांगा जाता है, रोल नंबर, और दूसरा चीज़ डेट ऑफ बर्थ, और तीसरा आप लोग को ये जो मैथ्स का क्वेश्चन है वो आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन पटना दिसंबर 2022। ठीक है, ये क्लास ट्वेल्थ का रिजल्ट है, दिसंबर 2022 का रिजल्ट है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये टेंथ का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, ये क्लास ट्वेल्थ का है। ठीक है, इसके बाद आप लोग को क्या करना है, सबसे ऊपर रोल नंबर फिल करना है अपना, जो एडमिट कार्ड पे आपका लिखा हुआ होगा रोल नंबर, वो आपको रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ना कि टाइप करना है। और इंटर टोटल ऑफ, जो टोटल लिखा हुआ है 9+7, वो आप लोग को इंटर कर देना है। तो मैं एक स्टूडेंट का आप लोग को मैं रिजल्ट खोल कर दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और कितने लोग खुश हैं रिजल्ट आने से वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किसका कितना परसेंटेज आया है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है रिजल्ट देखने में तो आप लोग बोलिएगा, तो मैं लाइव एक वीडियो कर दूंगा जिससे आप लोग का रिजल्ट मैं सामने आप लोगों के सामने खोल के दिखाऊंगा। जो भी रोल नंबर अपना भेजेंगे और डेट ऑफ बर्थ, उनका मैं उस लाइव पर खोल के दिखाऊंगा, अगर आप लोग को दिक्कत आ रही है तो। और अगर दिक्कत नहीं आ रही है तो आप लोग मैं जैसे प्रोसेस बता रहा हूँ वैसे आप लोग प्रोसेस से कीजिएगा, तो आप लोग का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रोल नंबर लिख लेता हूँ। रोल नंबर मैंने यहाँ पे एक नोट किया हुआ था, तो मैं यहाँ पर रोल नंबर एक लिख लेता हूँ। देखिए 2 2 2 4/2 है, फिर 009407, ये रोल नंबर आप लोग का एडमिट कार्ड पे होगा लिखा हुआ सबसे ऊपर एग्ज़ाम रोल नंबर, वही आप लोग को रोल नंबर लिखना है। ध्यान से आप लोग लिखिएगा एडमिट कार्ड का अपना देख के। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस स्टूडेंट का है ये, मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ 8 सितंबर 2003। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है, ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। देखिएगा यहाँ पे अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में ईयर सेलेक्ट करने का होगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब 9+7 कितना होता है, 9+7 16 होता है। ठीक है, आप लोग को इसके बाद आप लोग को देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को देखिए रिजल्ट खुल के आ जाएगा। व्यू पे आप लोग को क्लिक करना है, मैंने तो डायरेक्ट क्लिक कर दिया, तो आप लोग को यहाँ पर रिजल्ट खुल के आ जाएगा। देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित, यानी कि BSEB लिया था ये, बिहार बोर्ड लिया था, बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड पटना, बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन पटना, 12 दिसंबर सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट, मार्क्स स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर आपका इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ रहेगा, रोल नंबर लिखा हुआ रहेगा, कैंडिडेट नेम लिखा हुआ रहेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टडी सेंटर आप लोगों का लिखा हुआ रहेगा, नाम, फोटो आपका रहेगा राइट साइड में, और सिग्नेचर, और मार्क्स डिटेल देख लीजिए आप लोग। हिंदी, इंग्लिश, जिस स्टूडेंट का मैं ये देख रहा हूँ उन्होंने हिंदी लिया था, इंग्लिश लिया था, फिजिक्स लिया था, केमिस्ट्री लिया था, और लाइफ साइंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस में स्टार मार्क्स इसलिए है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल था, तो प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है, थ्योरी 80 नंबर का होता है, आप लोगों को पता होगा। ये सारे में पास हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, हिंदी में 64 मार्क्स आए हैं टोटल पास हैं, इंग्लिश में 41 आए हैं पास हैं, और फिजिक्स में जो है वो थ्योरी में इनका 80 में 50 आया है, और प्रैक्टिकल में 20 में 20 आया है, टोटल इनका 70 मार्क्स है और पास हैं वो फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में 80 में 24 आया है, हल्के से ये बस पास हो गए हैं, क्योंकि 80 में
जो पासिंग मार्क्स रहता है, जहाँ तक मुझे याद है कि 20 समथिंग रहता है, तो ये पास हो गया, और 20 में 19 आया है प्रैक्टिकल में, तो टोटल 43 है पास। लाइफ साइंस में भी वैसे ही 33 नंबर है थ्योरी में और 19 नंबर है प्रैक्टिकल में, टोटल 52। टोटल जो इनका काउंट हो क्या है 500 में, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, टोटल 500 में आप लोग का जो है वो 270 टोटल आया है इसका। और रिजल्ट देखिए यहाँ पर नीचे पास लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे आप लोग को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और रिजल्ट आप लोग को सेव करना है तो ऊपर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, ये प्रिंट वाले पर आपको क्लिक करना है। आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन आया था सेव एज पीडीएफ, ये सेव एज पीडीएफ आप लोग कीजिएगा इस पर क्लिक, तो आप लोगों को पीडीएफ सेव करने का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर सेव कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेव नहीं करता हूँ, आप लोगों को मैंने बताया कि रिजल्ट कैसे आप लोग को देखना है, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपना मार्क्स कितना आया, आप लोगों को कितना परसेंटेज आया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि रिजल्ट का वेट कर रहे थे। आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेके आ रहा हूँ, तो वीडियो को इसी बात पर एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले आप लोग को अपडेट दिया दिसंबर 2022 12th के रिजल्ट को लेकर, और साथ ही मैं आप लोग को आगे किसी भी अपडेट के लिए आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बाकी अपडेट मैं जब वापस मैं लैपटॉप पर वीडियो बनाऊँगा अपने PC पर, तो आप लोग को मैं ठीक से अच्छे तरीके से समझा दूँगा। ये मैं आप लोग को बस एक अपडेट देने के लिए कि रिजल्ट आप लोग का आ गया है, मैं बस वीडियो बना दिया हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए।